उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के चार अफराद को ट्रक से कुचलने वाला शख्स मुजरिम करार। 22 साल मुजरिम को उम्र कैद का सामना करना पड़ सकता है। सजा सुनाने की तारीख 1 दिसंबर को मुकर्रर की जाएगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर से खुशगवार हेलो का तबादला। माहिरीन कैनेडा चीन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पुरउम्मीद। एपेक्स समिट की सालाना फैमिली फोटो के दौरान ट्रूडो और शी एक दूसरे के साथ खड़े थे। टोरंटो में सर्दी की दस्तक। वीकेंड पर शहर में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शहर में सर्दी में इजाफे की पेशगोई कर दी। आने वाले दिनों में शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। पुरअमन और तरक्की करते चीन को खतरा समझना बड़ी गलती है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि दुनिया में चीन और अमेरिका के लिए वसी गुंजाइश मौजूद है। एक मुल्क की कामयाबी दूसरे के लिए एक मौका है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सजा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canada mein Pakistani khandan ke 4 afraad ke qatl ke ilzam mein giriftar shakhs ko mujrim qarar de diya gaya. Mazeed ahwal is report mein. कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शख्स को मुजरिम करार दे दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 12 रुकनी ज्यूरी ने फैसला दिया कि 22 साल मुलजिम नेथनील विल्टिमन ने जानबूझकर अफजल फैमिली को कत्ल किया। मुलजिम ने गाड़ी से कुचल कर सलमान अफजल, उनकी अहलिया, बेटी और वालिदा को कत्ल किया था। वाकये में मकतूल खानदान का कम सिम बेटा जख्मी भी हुआ था। 12 रुकनी ज्यूरी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 22 साल मुलजिम नेथनील विल्टिमन ने जानबूझकर अफजल फैमिली को कत्ल किया। नेथनील विल्टिमन ने जून 2021 में ऑन्टेरियो के शहर लंदन में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले खानदान फिजियोथेरापिस्ट सलमान अफजल के खानदान के 4 अफराद को ट्रक से कुचल दिया था। मुलजिम ने ट्रक से कुचल कर 46 साल सलमान अफजल, उनकी अहलिया 44 साल मदीहा सलमान, 15 साल बेटी यमुना और 74 साल वालदा तलत अफजल को कत्ल किया था। वाकये में मकतूल खानदान का कमसिन बेटा जख्मी भी हुआ था। मुकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि ट्रक से रोने वाला दहशतगर्द मजहबी तासुब में मुब्तिला था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स को मुजरिम करार दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 22 साल नेथनील विल्टिमन को उम्र कैद का सामना करना पड़ सकता है। मुलजिम ने सलमान अफजल के खानदान को अपने पिकअप ट्रक से टकराने का एतराफ किया था। नेथनील विल्टिमन को सजा सुनाने की तारीख 1 दिसंबर को मुकर्रर की जाएगी। तकरीबन 10 हफ्तों के मुकदमे में ज्यूरी को मालूम हुआ कि नेथनील विल्टिमन ने अपने कंप्यूटर पर दहशतगर्दी का मंशूर लिखा था, जिसमें उसने सफेद फाम कौम परस्ती की हिमायत की थी और मुसलमानों से अपनी नफरत को बयान किया था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सान फ्रांसिस्को में एक सरबराही इजलास में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ खुशगवार हेलो का तबादला किया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सान फ्रांसिस्को में एक सरबराही इजलास में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ खुशगवार हेलो का तबादला किया, लेकिन एक सीनियर हुकूमती जरिए के मुताबिक अभी तक उनके साथ बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई है। ट्रूडो की एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मौके पर शी के साथ बातचीत भी अभी बाकी है, क्योंकि अमेरिका और चीन सिफारती बातचीत की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। समिट की सालाना फैमिली फोटो के दौरान ट्रूडो और शी एक दूसरे के साथ खड़े थे। वज़ीर-ए-आज़म को कैमरे पर शी के साथ सर हिलाते हुए देखा गया। इंडो पैसिफिक के लिए कनाडा के खसूसी एलजी आयान मैके ने कहा कि रहनुमाओं के लिए मौके पर बातचीत के मौके मौजूद होंगे।
उन्होंने कहा कि यह अच्छी चीज़ होगी और यह कि उनके पास बहस करने के लिए बहुत कुछ है। मैं वाज़ह तौर पर समझता हूं कि सदर बाइडन और सदर शी के दरमियान कल की दो तरफा मुलाकात ना सिर्फ उन दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरे खत्ते और दर हकीकत पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा इशारा था कि शायद नुक्ता नज़र में एक तब्दीली हो रही है और इसमें मशगूल होने की आमादगी की बहाली है। आखिरी बार ट्रूडो ने एक साल कबल बाली में G20 मुज़ाकरात के मौके पर शी से बात की थी। एक तनाव का तबादला हुआ, शी ने ट्रूडो का सामना किया और उनकी बंद कमरे की मीटिंग की मुबैना लीक्स पर तनकीद की। उसके बाद से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इंतखाबी मदाखलत के शवाहिद ने हुकूमत को अवामी इंक्वायरी शुरू करने का बाइस बनाया है। दोनों ममालिक से सिफारती अमले को भी टिट फॉर टैट में निकाल दिया गया है। अवामी सतह पर इस बात के कोई आसार नहीं मिले कि कैनेडा सरबराही इजलास में कैनेडा चीन ताल्लुकात को गरमाने की कोशिश कर रहा है। कैनेडा के एक अहलकार ने कहा कि चीन के बारे में कैनेडा का नुक्ता नज़र तब्दील नहीं होगा। ट्रूडो ने यह भी कहा कि वो मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल पर चीन के साथ तआवुन जारी रखेंगे और बीजिंग को इंसानी हकूक जैसे मसाइल पर चैलेंज करेंगे। टोरंटो के मौसम में इस हफ्ते के आखिर में हलचल देखी जा सकती है क्योंकि सर दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मौसम में इस हफ्ते के आखिर में हलचल देखी जा सकती है क्योंकि सर्द दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि इस वीकेंड पर टोरंटो में सर्दियों के मौसम की पहली बर्फबारी हो सकती है, लेकिन शायद आपको अभी बेलचा नहीं निकालना पड़ेगा। टोरंटो और GTA के हफ्ते के अख्तितम पर 5 से 10 मिलीमीटर बारिश के साथ धूप और गर्म दर्जा हरारत अचानक खत्म हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज शहर का दर्जा हरारत दिन के औकात में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो रात में 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। दिन के औकात में सूरज के साथ बादल छाए रहेंगे और रात के औकात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इतवार को मौसम दिन के वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड के साथ और भी ठंडा होगा, जो 2 सेंटीग्रेड के करीब महसूस होगा। आइंदा हफ्ते के आगाज में काम और स्कूल के लिए एक तेज दिन देखा जा सकता है क्योंकि आर्कटिक हवा 3 डिग्री सेंटीग्रेड की पेशन गोई की तरफ ले जाएगी। 2022 की पहली बर्फ पिछले साल तकरीबन इसी वक्त पड़ी थी, जिसमें 15 नवंबर को सर्दियों के मौसम की एंट्री हुई थी। इस हफ्ते के आखिर में पेशन गोई की गई लहरों के बाद अगले हफ्ते तक दर्जा हरारत इतवार और मंगल को बारिश की पेश गोई के साथ तकरीबन 6 डिग्री सेंटीग्रेड बरकरार रहने की तवक्को है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि पुरअमन बाहमी रवादारी बैन अलाक्वामी ताल्लुकात का बुनियादी उसूल है। चीन और अमरीका ताल्लुकात के लिए ये बॉटम लाइन जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि पुरअमन बाहमी रवादारी बैन अलाक्वामी ताल्लुकात का बुनियादी उसूल है। चीन और अमरीका ताल्लुकात के लिए ये बॉटम लाइन है जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए। पुरअमन तरक्की करने वाले चीन को खतरा समझना बड़ी गलती है। चीनी सदर ने अमरीकी हम मनसब जो बाइडन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों सरबराहों ने चीन अमरीका ताल्लुकात की सिम आलमी अमन और तरक्की को मुतासर करने वाले बड़े मसाइल पर अहम तस्वीराती जामा और मुफसिल तबादला ख्याल किया। इसके अलावा मुश्तरका तश्वीश के बैन अलाक्वामी और इलाकाई मसाइल पर भी गौर किया गया। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने शी जिनपिंग के एजाज में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। मुलाकात में अमरीकी सदर बाइडन और शी जिनपिंग ने इत्तेफाक किया कि चीन और अमरीका अफरादी तबादलों को आसान बनाने और अवामी और सकाफती तबादलों को फरोग देने के लिए मजीद इकदाम मुतारिफ कराएंगे। इन इकदाम में चीन और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुसाफिर परवाजों में इजाफा, आला सतही सियाहती मुकालमे का इनका और वीज़ा दरख्वास्त के अमल को बेहतर बनाना शामिल है। अमरीकी हम मनसब जो बाइडन के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमरीका के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ना कोई ऑप्शन नहीं। बड़े ममालिक का मुकाबला चीन और अमरीका या दुनिया को दरपेश मसाइल को हल नहीं कर सकता। दुनिया में चीन और अमरीका के लिए वसी गुंजाइश मौजूद है और एक मुल्क की कामयाबी दूसरे के लिए एक मौका है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मजीद कहा कि चीन अमरीका ताल्लुकात को वसी तनाजर में देखा जाना चाहिए। बाहमी एहतराम, पुरअमन बकाए बाहमी और बाहमी तआवुन वो सबक हैं जो हमने चीन और अमरीका ताल्लुकात के 50 साल और तारीख में बड़े ममालिक के माबैन तनाजात के दौर से सीखा है। चीन और अमरीका को उन पर अमल दरामद के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इलावा अजी अमरीकी सदर की जानिब से अपने एजाज में दिए गए इशाइये से खिताब करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमरीका के ताल्लुकात की बुनियाद हमारे अवाम ने रखी है और आवाम ने ही बंद दरवाजे खोले हैं। मुस्तकबिल के ताल्लुकात भी आवाम के जरिए तश्कील पाएंगे। बाहमी एहतराम एक दूसरे के साथ ताल्लुकात के बुनियादी आदाब में शामिल है और ये चीन और अमरीका के लिए बुनियादी उसूल है। शी जिनपिंग ने कहा कि चीनी खसूसियात के हामिल सोशलिज्म का रास्ता साइंसी सोशलिज्म के नजरिए की रहनुमाई में हासिल हुआ है और उसकी जड़ें 5,000 साल से ज्यादा पुरानी चीनी तहजीब में मौजूद हैं, जिस पर चीन को फख्र है। हम दोनों ममालिक के आवाम के दरमियान मजीद नकलो हरकत, मजीद रबतों और मजीद तबादलों के मुंतजर हैं
ताकि नए दौर में दोनों अवाम के दरमियान दोस्ती में इजाफा हो सके। चीनी सदर ने कहा कि चीन अगले 5 सालों में 50,000 अमरीकी नौजवानों को तबादले और मुताला प्रोग्रामों के तहत चीन मदु करने के लिए तैयार है ताकि दोनों ममालिक के अवाम बिलखसूस नौजवानों के दरमियान तबादलों में इजाफा हो सके। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Views are precise and effective.